हे गाइस, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले शाहरुख खान की मूवी जवान देखकर आया हूँ। और सच बताऊँ यार, ये मूवी बहुत सही है। मतलब सच में मुझे बहुत मजा आया इस मूवी को देखकर। लेकिन हाँ, ये मूवी सबके लिए नहीं है, और ये मूवी उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं है जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है और ऐसा लग रहा है कि एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है। ऐसा नहीं है, ये एक अलग मूवी है, ये एक मास मसाला मूवी है जिसके बारे में मैं आगे आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो कहानी की बात मैं आपके साथ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक थ्रिल नाइन स्टोरी है, काफी बेसिक सी स्टोरी है जिसके प्रेजेंटेशन को काफी अच्छे से किया गया, लेकिन स्टोरी काफी थिन लाइन है, जिसके कारण अगर मैं स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा कुछ भी बताया ना तो पूरी मूवी के बारे में बता बैठूंगा। इसी कारण से मैं स्टोरी के बारे में बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन हाँ, ये कहानी एक बाप बेटे की कहानी है जो कि देखने में सच में अच्छा लगता है। जहां तक बात है स्क्रीन पे की, स्क्रीन पे अच्छा है क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करते हुए बताया जाता है किस तरह से ये है, किस तरह की सिचुएशन यहाँ हो रही है, किस तरह की चीजें में ये लोग फंस चुके हैं। वो सारी चीजें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस मूवी में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें भी देखने में ठीक ठाक लगती है, क्योंकि इन सारी चीजों को इतने ज्यादा अच्छे से लिखा और प्रेजेंट किया गया है कि हम पूरे टाइम इस मूवी में एंगेज रहते हैं, हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं। और सच में बीच बीच में जिस तरह से एक्शन सीन्स आते हैं ना, वो हमें पूरी तरह से होल्ड करके रखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। ज्यादा बात ट्विस्ट एंड की, तो इस मूवी में आपको कोई भी मेजर ट्विस्ट देखने को नहीं मिलेगा, आप इस मूवी के हर एक ट्विस्ट को काफी आराम से प्रेडिक्ट कर पाओगे। इसी कारण से जिस तरह का इंपैक्ट इन ट्विस्ट एंड को आप पे डालना चाहिए था वो ये नहीं डाल पाते हैं। और जो इमोशनल सीन्स आते हैं ना, वो भी मेरे ख्याल से कब आके कब चले जाते हैं, ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के ऊंचे डायनेमिक्स की, तो मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स को थोड़ा और अच्छे से डेवलप किया जा सकता था। डेफिनेटली हम कुछ कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन जो बाकी के कैरेक्टर्स थे वो हम पे ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पाते हैं। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स थे वो पर्सनली मैंने इन्जॉय करा है। सच में इन सभी के पीछे जो खट्टे मीठे रिलेशनशिप थे वो देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। यहाँ डायलॉग्स की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सच में इस मूवी के डायलॉग्स जो हैं वो इस मूवी के वन ऑफ द हाईलाइट है, वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फेमस होने वाले हैं और सच में देखने में सुनने में मजा आता है इन डायलॉग्स को। अगर मैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो डेफिनेटली जैसे कि मैं कह चुका हूं कि इस मूवी में काफी सारी चीजें कब आके कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप कोई ऐसी चीज की उम्मीद करो कि आपको कोई माइंड ब्लोइंग स्टोरी देखने को मिलने वाली, तो ऐसा भी नहीं है। स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, आप काफी सारी चीजों को काफी आराम से गेस कर पाओगे। और भी काफी प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, लेकिन उन सबका बात करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें इग्नोर हो जाती है, क्योंकि एक मास मसाला मूवी है। अगर आप मास मसाला मूवी के फैन हो तो डेफिनेटली वो सारी चीजें फेस करना आपकी ऑलमोस्ट आदत बन चुका होगा। इसी कारण से वो सारी चीजें आप काफी आराम से इग्नोर कर दोगे। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफी अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है सच में। एटलीगर का जो डायरेक्शन है, जिस तरह की वो मूवी बनाना चाहते थे उन्होंने उसी तरह की मूवी बनाई है। उन्होंने कोई बहुत ज्यादा टेक्निकली ग्रेट मूवी बनाने की कोशिश नहीं करी है, उन्होंने एक मास मसाला मूवी बनाने की कोशिश करी है और ये एक मास मसाला ही मूवी है। जो एडिटिंग है वो भी ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है। अगर प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी मूवी है, एक मास मसाला मूवी है। अगर आप लोगों को मास मसाला मूवी देखना पसंद आती है तो डेफिनेटली आपको ये मूवी पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों को मास मसाला मूवी देखना पसंद नहीं आती, टेक्निकली ग्रेट मूवीज देखना पसंद आती है, तो डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए नहीं है। तो आपको ये मूवी देखनी है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।